देखिए, सूर्यकांता व्यास जी जी के नाम से जानी जाती रही जी। और मुझे याद आता है कि कुछ सालों पहले जब मैं सियासत का गढ़ प्रोग्राम करने के लिए जोधपुर गया था जी, तो मैं और राजीव गौड़ जी जी के घर गए और जी जी ने हमारे सामने गाय का दूध निकाला उस समय जी। और एक एक अधिक उम्र में भी किस तरह से वो एक्टिव रहती थी, किस तरह से काम करती थी, किस तरह से लोगों से मिलती, और कहा जा सकता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उनके संबंध रहे, अजात शत्रु रही वो। बिल्कुल, अगर महिला राजनेता के तौर पर अजात शत्रु अगर जो कहा जाए तो वो सूर्यकांता व्यास से, दुर्भाग्य से वो मिनिस्टर उनको बनना चाहिए था, इसलिए सरकार में ऐसी उम्मीद थी लेकिन हो नहीं पाया था जी। लेकिन उसके बावजूद उनका एक बड़े मंत्री से भी बड़ा कद उनका हमेशा रहता था। विधानसभा में गहलोत सरकार हुआ करती थी, सूर्यकांता व्यास विधायक थी और कहा जा सकता है कि उस एज में विधायक बनी जब आमतौर पर राजनीति से रिटायरमेंट का टाइम होता है जी। और मुझे ध्यान है कि जब टिकट देने की बात आई थी तो कई कद्दावर नेता टिकट की दौड़ में शुमार थे। बिल्कुल, तो वसुंधरा राजे ने कहा कि जब जी जी जीत रही है तो क्यों इनका टिकट काटा जाए जी। और आखिरकार जी जी को टिकट भी मिला, वो चुनाव भी जीती जी। और अपने एक लंबी लाइन राजनीति की उन्होंने खड़ी की। और आपको ध्यान ही है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनके संबंध है, आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे और इसको लेकर राजनीतिक हलकों में कहा भी जाता था कि समान विचारधारा नहीं होने के बावजूद इस तरह के संबंध राजनीतिक तौर पर होना, तो जी जी साफ तौर पर कहती थी कि अशोक गहलोत हमारे जोधपुर के हैं जी और जोधपुर से वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसीलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ और उनके बीच में भाई बहन का रिश्ता भी रहा। तो कहा जा सकता है कि सूर्यकांत व्यास एक अपना एक अलग युग रहा और देखिए आज दिन भी कितना बड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है जी। तो जनसंघ के संस्थापक रहे, जिन्होंने बीजेपी का पौधा रोपा और आज उसी दिन सूर्यकांत व्यास चली गई है। और एक राजनीति के अंदर एक कई तरह की उन्होंने बातें छोड़कर वो अपने पीछे गई जी। सबसे बड़ी बात तो है कि अपने इलाकों को लेकर इस तरह एक जनप्रतिनिधि अपनी बात उठाता है विधानसभा के अंदर, ये कोई उनसे सीखे। बिल्कुल, जी जी हमेशा अपने विधानसभा के अंदर अपने इलाके सूर सागर को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा वो आवाज बुलंद करती रहती थी जी। और मुझे ध्यान है कि वो जब भी कोई सवाल करती थी तो उम्मीद ये करती थी कि सरकार का मंत्री उनकी बातों का जवाब दे जी। मंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री अगर सदन में बैठा है तो उनकी बात का जवाब दे। और देखिए आप जी जी का सम्मान भी देखिए कि मुझे याद है कि सवाल पर खुद मुख्यमंत्री खड़े होकर भी उनकी बात का जवाब दिया करते थे जी। कहा जा सकता है कि ऐसे नेता बिरले पैदा होते हैं जिनका जीवन साधारण होता है और वो एक राजनीतिक छाप छोड़कर जाते हैं। जोधपुर के अंदर अपने आप में आज का दिन शोक का दिन है क्योंकि जोधपुर की राजनीति को जी जी ने जिया है और जोधपुर की राजनीति के अंदर उन्होंने कई नेताओं को भी आगे बढ़ाया है और ये कहा जा सकता है कि एक अमिट छाप उन्होंने पूरी नगरी की सियासत से नहीं बल्कि प्रदेश की सियासत में भी वो छोड़ कर गई है। तो आज अब सूर्यकांत व्यास एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा, उन्होंने सुंदर सिंह भंडारी के साथ भी काम किया, उन्होंने अब कहा जा सकता है कि भैरव सिंह शेखावत के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ काम किया जी। और आज अभी कुछ दिनों पहले बीजेपी ऑफिस भी वो आई थी जी और उन्होंने मुलाकात की थी, मदन राठौड़ से मुलाकात की थी, एक्टिव वो रहती थी सर, जब तक उनके शरीर में जान थी तब तक सक्रियता उनकी हमेशा रही। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे जीवट वाले राजनेता आज की राजनीति में कम मिलते हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत से अलग बेटा के चरित्र के नेता और फैमिलियर लीडर के तौर पर उनकी हमेशा एक इमेज रही, उनके
दरवाजे कार्यकर्ता के लिए सदैव खुले रहते थे, उनका कार्यालय अपने क्षेत्र की जनता के लिए सदैव खुला रहता था और कोई आडंबर उनके नहीं था। स्कूटर पर बैठकर वो अपने क्षेत्र की जनता से मिलने जाती थी और एक साधारण जीवन शैली के राजनेता के तौर पर सूर सागर में उनका प्रभाव रहा। ये वो सीट है जिसको कांग्रेस माइनस मार्क कर चुकी थी जी। और सूर सागर को परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगर गढ़ मनाया गया तो सूर्यकांता व्यास से ही इस गढ़ के रूप में, सियासत के गढ़ के रूप में प्रचलित किया। पुष्कर नाम ब्राह्मण इस इलाके में बड़ी तादाद में रहते हैं जी। और उन्हीं के बीच से सूर्यकांत व्यास निकली और एक कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी उन्होंने बहुत काम किया। बिल्कुल, उस जमाने के अंदर जब महिलाएं राजनीति में इतना प्रवेश नहीं करती थी, इतनी सक्रियता नहीं होती थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनका सशक्तिकरण करने में एक बड़ा योगदान सूर्यकांता व्यास करा। तो आप कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अपने आप में एक ऐसा दिन है जब उन्होंने एक उस शख्सियत को खो दिया तो राजस्थान की राजनीति का एक जीता जागता चेहरा रहा। राजस्थान की विधानसभा का, पुरानी विधानसभा हो या नई विधानसभा हो जी, या प्रदेश की राजनीति के अंदर एक अलग तरह की राजनीतिक छाप छोड़ने की बात हो, सूर्यकांत व्यास हमेशा जानी जाते रहेंगे। जीजी के नाम से उन्हें कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य दलों के लोग हो, उन्हें हमेशा इसी सम्मान के साथ बुलाया करते थे जी। और कहा जा सकता है कि पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, थी शोक की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, शोक की लहर है और अकई में सूर्यकांत व्यास के जो लकीर वो खींच के गई है, जो माइल स्टोन उन्होंने जोधपुर की पॉलिटिक्स में पैदा किया है, जो एक रिक्तता उनके जाने के बाद आई उसकी भरपाई। लेकिन योगेश जी, ये जीजी शब्द का जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस शब्द को अगर हम भी अगर बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा लगता है कि उनसे एक जुड़ाव है, ऐसा लगता है कि उनसे एक लगाव है, लेकिन अगर कोई उनसे जीजी कहता भी है तो इस शब्द के पीछे की अगर कोई कहानी रही हो, या फिर जिस तरीके से हम आसपास के लोगों को कहते भी हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, इस शब्द के पीछे की वो कहानी मानी जाए, या फिर जिस तरीके से उनका व्यवहार लोगों के साथ रहा है वो इसके पीछे की वजह मानी जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रेम का शब्द रहा और जोधपुर मनुवार की धरती है जी, अपनायत की धरती है, मारवाड़ की ये धरती दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ जो अपनायत आपको मिलेगी, जो यहाँ मिठास आपको मिलेगी बिल्कुल, वो आपको किसी धरती पर नहीं मिल सकती, जो जोधपुर के अंदर ही मिलेगी आपको। जोधपुर के लोगों का प्यार जो होता है वो अलग तरह का होता है, जो मेजबानी होती है वो अलग तरह की होती है। तो जीजी उनमें से, नाम उनका जीजी से ही उनको कहा जाता था, उनको प्यार से सम्मान के साथ अभिवादन के तौर पर उनको जीजी पसंद था कहलवाना। मतलब आप सोचिए कि उनके घर में भी उनके पोते पोती तक उनको जीजी कहते थे जी। तो इस अंदाजा लगा ली कि वो एक निकनेम उनका बन गया था, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनको इसी नाम से बुलाया जाता था। तो प्यार अभिवादन का शब्द था, जो मुझे लगता है कि उन्हें सालों पहले जब वो विधायक बनी होगी या उससे पहले से ही उनको कार्यकर्ताओं जीजी के तौर पर कहने लग गए थे और फिर यही शब्द आगे जाकर बिल्कुल, और सभी की वो जीजी बन गई और सदैव इसी नाम से वो जानी जाती रही और जानी भी जाएंगी। महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि खुद महिला होते हुए लगातार चुनाव जीतना, ना केवल चुनाव जीतना बल्कि सक्रिय रहना और कार्य भी करते रहना। लेकिन योगेश जी, आप राजीव से भी हम बात करते, राजीव जी वो भी ये बता रहे थे कि अपनी सरकार के खिलाफ भी कई बार देखने को मिला कि कार्य को लेकर वो अड़ गई, डट गई कि नहीं ये कार्य होना चाहिए, क्योंकि अमूमन अगर मौजूदा खुद की सरकार है तो इतनी ज़्यादा आवाज़ कोई मुखर नहीं करता है कि काम हो जाएगा ये कहकर छोड़ देता है। लेकिन सूर्यकांता व्यास का अगर जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं, वो बता रहे थे राजीव, कि किसी भी सूरत में लोगों का काम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है शायद कि आज भी लोगों के बीच वो इतनी ही ज़्यादा अपनी इतना ही ज़्यादा उनका व्यवहार था, उनका जो व्यक्तित्व था, अपनत्व था, इसलिए लोगों को याद आता है कि सदैव उनके लिए वो खड़ी रही हैं,
उनकी मदद के लिए, उनके काम के लिए? राजीव ने बहुत साथ में काम किया है। सूर्यकांता व्यास के घर पे उनका आना जाना रहा, बतौर पत्रकार और ठीक है। योगेश जी मैं रोक रही हूँ जरा आपको, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जोगाराम पटेल जी, बहुत दुखद खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना सक्रिय सदस्य खोया है। अस्वस्थ चल रही थी सूर्यकांता व्यास, लेकिन आज उनके निधन की खबर मिल रही है। किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे आप? हम सब के लिए, राजस्थान और विशेषकर मारवाड़ और सूर्यनगरी के लिए बेहद दुखद, बेहद दुखद, एकदम कह सकता हूँ अविश्वसनीय किंतु सत्य खबर है जी। हमारे लिए जीजी बहुत ही आदरणीय थी और बचपन से लगाकर वो समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, मारवाड़ के लिए हमेशा विकास के काम में सक्रियता से भागीदारी रही। वो पाल्टी लाइन से परे जाकर भी उन्होंने हमेशा शहर के विकास और आत्मीयता बनाए रखी। हमारी पार्टी के लिए, भाजपा परिवार के लिए बहुत ही दुखद समाचार है, परंतु होली के आगे किसी का जोर नहीं। मैं देवगंध आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि परिजनों को, हम सबको सबल प्रदान करे ताकि हम इस असीम दुख और घटना को सहन कर सके। हमारे लिए एकदम अविश्वसनीय है, तो हम विश्वास ही नहीं कर सके हमारी जीजी आज हमारे बीच में नहीं है जी। जीजी पूरे देश में, यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर आए थे तो उन्होंने हाथ पकड़ करके 2 मिनट तक उनसे बात की थी और मोदी जी ने इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। वो कभी ऐतराज नहीं करते जितनी जीजी हमारी आदरणीय थी, परंतु प्रभु की लीला के आगे किसी का जोर नहीं। धन्यवाद। जोगाराम पटेल जी, प्रधानमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, क्योंकि मदन राठौड़ से भी मुलाकात उन्होंने की थी। बेशक अस्वस्थ थी लेकिन मिलने के लिए जरूर पहुंची थी। आपसे मुलाकात हुई क्या इस दौरान उनकी? मेरी अक्सर, मैं जब भी जोधपुर जाता हूँ तो मैं जीजी से मिलने जाता ही रहता था, और इस बार जब नरेंद्र मोदी जी आए थे वो मेरी आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद नहीं हो पाई। परंतु जीजी इतनी हमेशा इस उम्र में भी वो इतनी सक्रिय थी, हम लोग आदर था। हम लोग आपस में विचार करते थे कि जीजी इस उम्र में भी हमसे कई गुना अधिक सक्रिय थी, और वो पार्टी लाइन से आगे सबसे रिश्ते रखती थी जी। वो कभी भी, हाँ, पार्टी लाइन में, पार्टी के काम में वो सबसे सबसे श्रेष्ठ थी, लेकिन विकास में, आत्मीयता में वो पार्टी लाइन से भी आगे थी। हम सबको बहुत सिखाती थी जी। मैं एकदम बहुत ही दुखी मन से उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जोगाराम पटेल जी वाकई में प्रेरणा स्रोत तो वो सभी के लिए रही ही हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव याद रहेंगे सभी को, और याद लोगों को आज भी हैं। लेकिन आपके साथ कोई ऐसे अनुभव जो आपको याद आते हो, आपने जो उनसे सीखा हो, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व और इतना ज्यादा उनकी, वो सीनियर भी थी, वरिष्ठ भी थी, पार्टी की सक्रिय सदस्य भी थे, आपके कुछ अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? के परिवार में उनके पिताजी थानेदार थे, उनके भाई जज थे, हाईकोर्ट जज रहे, और उनके परिवार में उनके पुत्र वकील थे, तो इस नाते मेरा उनसे और अधिक बहुत घनत्व था। और वो हमेशा उनको एक चीज बोलना सिखाई थी कि मेरे भाई ने एक चीज पकड़ी है कि हमेशा अपने प्रोफेशन में निष्पक्षता से, ईमानदारी से और लगन से कार्य करना चाहिए। एक मुकदमे में मैं थोड़ा सा विस्मित हो गया था जी, तो मैं जीजी के पास बैठा। जीजी ने कहा कि नहीं, आप अपनी बात कहो, जज क्या फैसला करता है। वो हमेशा मुझे आज भी याद है, जीजी ने कहा नहीं, आप निर्भीकता से अपनी बात रखो, ईमानदारी से बात रखो, कानून सम्मत बात रखो, जज क्या निर्णय करता है। उन्होंने कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है, अपनी बात निर्भीकता से, निष्पक्षता से और ईमानदारी से, न्याय संगत बात कहने में कभी संकोच मत करो। ये जीजी का आदर्श रहा। बिल्कुल, और जिस निर्भीकता का आप जिक्र कर रहे हैं, उतना ही निर्भीक होकर जनता उनसे अपनी बात कहती थी। बिल्कुल कहती थी, और वो सुनती भी थी, और वो किसी से इस मामले में जरा भी भयभीत नहीं होती थी, सही बात कहते थे। यहाँ तक कि हमारी पार्टी लाइन से बाहर जाकर भी हमको कहते थे कि नहीं, आप गलत हो, और गलत है तो मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, यहाँ तक के उनके शब्द थे। बिल्कुल जोगाराम जी, बहुत बिल्कुल धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। निर्भीक होकर बात कहना और निर्भीक होकर जनता का उनसे अपनी समस्या बताना, ये एक व्यक्तित्व की खासियत रहती है। अस्वस्थता के चलते परेशानी बेशक हो रही थी, लेकिन फिर भी जो भी मिलने के लिए आता था उनसे अच्छे तरीके से मिलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे
तो जोगाराम पटेल जी ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि पीएम जब पहुंचे थे तो अच्छी बातचीत भी उनसे हुई थी, हालांकि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, कुछ समय से तबीयत बिगड़ रही थी, तबीयत खराब थी। 86 साल की उम्र में आज अंतिम सांस उन्होंने ली है और उनका यूं जाना हर किसी को दुखी कर रहा है, शोक हर कोई व्यक्त कर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि जीजी से जुड़ाव उनका रहा है। 6 बार चुनाव जीत चुकी है सूर्यकांता व्यास, आज उनके निधन की खबर मिल रही है।